टेस्टी फूड पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्वाति और आज मैं आपके साथ खेकड़ा करी यानी क्रैब करी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। खेकड़ा करी कोई चिंबोरीचा रस्सा महाराष्ट्र में बोला जाता है। ये बहुत फेमस डिश है और ये बहुत टेस्टी बनता है। अलग अलग तरीक़ों से इसे बनाया जाता है, तो इसी में से एक थोड़ा सा स्पाइसी और बहुत ही टेस्टी क्रैब करी का रेसिपी मैं आज शेयर करने वाली हूँ। 2 से 3 प्रकार के खेकड़े आते हैं, उसमें से ये मैंने लिए हैं समुंदर वाले हैं। ये मीडियम साइज़ के 6 खेकड़े हैं, 5 से 6। इसको अच्छे से मैंने कवर हटा के साफ़ कर लिया है और तोड़ भी लिया है। तो इसका मसाला बनाने के लिए, ग्रेवी के लिए मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, 15 से 20 लहसुन की कलियाँ, 2 इंच अदरक मैंने लिया है, 1 टेबलस्पून इमली या आप कोकम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सूखा नारियल ग्रेट किया हुआ 1 कप लिया है, और धनिया पत्ता मैंने लगभग ये 1 कप से ज़्यादा लिया है थोड़ा, 2 बड़े साइज़ के टमाटर बड़े साइज़ में कट किए हुए, हल्दी पाउडर हम लेंगे 1/2 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा, दालचीनी का 1 छोटा पीस, लौंग 3 से 4 और काली मिर्च ली है मैंने 6 से 7, 1 टीस्पून जीरा और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है 2 से 3 टीस्पून, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं रेड चिली पाउडर, और साबुत धनिया 1 टीस्पून। तो हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर छोड़ के हमें सारे मसाले को अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है। सबसे पहले मिक्सर के जार में ड्राई मसाले ऐड करेंगे सबसे नीचे, जैसे सूखा नारियल, गरम मसाले, जीरा, साबुत धनिया, इमली और बाकी के सारे मसाले इसके अंदर हम डाल सकते हैं। अगर आपका मिक्सर का जार अगर छोटा है तो आप इसको 2 बैचेस में भी इसको पीस सकते हैं। बस हमें मसाला अच्छे से सॉफ्ट इसका पेस्ट बनाना है। मैं पूरा एक साथ ही पीसने वाली हूँ क्योंकि जार थोड़ा बड़ा है मेरा। पीसने के बाद आप देख सकते हैं ये एकदम सॉफ्ट मसाला हमें पीसना है। सारा प्रोसेस हम प्रेशर कुकर में करने वाले हैं ताकि ये बहुत जल्दी बनता है हमारा रेसिपी। तो सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में 3 से 4 बड़े टेबलस्पून हम ऑयल इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हमारा, हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। मसाला अच्छे से हमें फ्राई करना है। इसको फ्राई करते समय ये इसमें पानी होने की वजह से ये चटकता है यानी उड़ता है, तो हम इस प्रकार से इसको लीड ऊपर रख के हमें इसको लगातार चलाते रहना है चम्मच से। 4 से 5 मिनट के बाद हम चेक करेंगे तो ये उड़ना मसाला बंद हो चुका है। तो हम कवर को हटाकर फिर से हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, जैसे हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और इसको अच्छे से हमें मिक्स करना है मसाले के साथ। चार पाँच मिनट हमें इसे लगातार फ्राई करने के बाद तेल सेपरेट होने लगता है, तब हम इसमें खेकड़ा ऐड करेंगे। अब इसे हमें मसाले के अंदर अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम स्वाद के अनुसार इसमें नमक मिलाएंगे। मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच और थोड़ा सा ऊपर नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। नमक को अच्छी तरह से हमें मिलाना है। नमक मिलाने के बाद हम इसको 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कवर करके रख देंगे। और हमारा 5 मिनट में एक साइड में हमने 1 लीटर गरम पानी इसको करी के लिए गरम करने के लिए रख दिया है गैस पे। 5 मिनट के बाद हम देख सकते हैं तो मसाला जो है इस समय पे ये 5 मिनट में बहुत केकड़े के अंदर तक चला जाता है, मिक्स हो जाता है। तब ही हम उसके बाद ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इसमें गर्म पानी डालने से इसका टेस्ट जो है वो और बढ़ जाता है। पानी आप इसका आपके आपको ग्रेवी जैसे पसंद है, अगर आपको ज़्यादा पतला चाहिए तो और पानी ऐड कीजिए, नहीं तो
कम डालिए। मैंने यहाँ पे 2 गिलास पानी ऐड किया है। अभी से अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद एक बॉईल आने तक वेट करेंगे हम। जैसे ही करी को बॉईल आएगा तब हम इसको कवर कर लेंगे, यानी इसका कुकर का लीड बंद कर देंगे। और हाई फ्लेम पे हमें 1 सीटी करना है और लो फ्लेम पे हमें 2 से 3 सीटी करनी है। टोटल हमने यहाँ पर इसका 4 सीटी किया है और उसके बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। और जैसे ही कुकर का प्रेशर ख़त्म हो जाएगा तब हमने लीड इसका ओपन किया है। तो आप देख सकते हैं इसका खुशबू बहुत अच्छा आ रहा है और कलर भी आप इसका देख सकते हैं, ये थोड़ा सा स्पाइसी ही अच्छा लगता है। तो बहुत ही टेस्टी हमारा क्रैब करी यानी चिंबोरीचा रस्सा बनके एकदम तैयार हो जाता है। खेकड़ा करी यानी क्रैब करी बहुत तरीक़ों से बनाई जाती है, तो अलग अलग रेसिपीज़ में ज़रूर शेयर करूँगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। और मिलते हैं ऐसी नई नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।